हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल द इमेजिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि पीएसडी टेम्पलेट्स नया जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, ये टेम्पलेट है, ये ग्रे थीम पे टेम्पलेट है दोस्तों। इस टेम्पलेट को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है दोस्तों, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि शेप्स का यूज़ लेते हुए और ग्रे थीम, ब्लैक एंड वाइट थीम, जो ग्रे थीम है उसका यूज़ लेते हुए मैंने किस तरीके से इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, आज से ही मैंने मेरी जो टेम्पलेट क्रिएट करने की, डीएम क्रिएट करने की और कवर डिज़ाइन क्रिएट करने की जो सीरीज़ थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है। हर एक दो दिन में मैं टेम्पलेट, डीएम और कवर क्रिएट करने की जो वीडियोज़ हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो मैं डालता जाऊँगा। तो आप कृपया करके जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि उनको मेरे नए जो क्रिएशंस हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें उनसे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है टेम्पलेट क्रिएट करने का, ये थोड़ा लंबा है। इसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि नई फाइल कैसे बनेगी, लेआउट कैसे लगेगा और शेप्स कैसे यूज़ में लेनी है और इफ़ेक्ट्स कैसे डालने हैं, बैकग्राउंड्स कैसे डालना है, क्लिप आर्ट्स कैसे डालने हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, पूरा देखने से ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट क्रिएट करना। ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया और हम नया डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, नई जो फाइल है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद में देखो दोस्तों, मैंने यहाँ मेरे यहाँ कस्टम टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा कैसे आपको नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें यहाँ डिज़ाइन का नाम देना है, तो जैसे मैं दे देता हूँ टेम्पलेट 01। यहाँ पे हमेशा इंचेज रखना है। फिर यहाँ साइज डाल देते हैं हम 36, मेरे ऑलरेडी इसमें साइज डला हुआ है, तो मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें जो रेजोल्यूशन है दोस्तों, इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारे न्यू फाइल, हमारी न्यू शीट जो है उसके अंदर। तो रेजोल्यूशन जो आपने रखना है दोस्तों वो 300 रखें, और अगर आप कम रखना चाहते हैं तो 250 रखें। 250 से कम आप डॉक्यूमेंट्स का रेजोल्यूशन ना रखें। अगर आप 250 से कम डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन रखते हैं तो दोस्तों, उसमें जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पिक्सलेट हो गई या कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और पिक्सल ऑब्लिक इंच, ये हमेशा पिक्सल ऑब्लिक इंच ही रखना है आपको, सेंटीमीटर नहीं करना है। सेंटीमीटर करोगे तो आपकी फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, क्योंकि पिक्सल पर इंच है। एक इंच के अंदर आपके कितने पिक्सल रहेंगे वो यहाँ बताया जा रहा है आपको कि 300 रहेंगे हमारे पिक्सल्स एक इंच में। तो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो आधारित होती है हमारे साइज पे, ठीक है। और जो साइज होते हैं वो पिक्सल में होते हैं, तो पिक्सल और रेजोल्यूशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, तो हमेशा इंचेज में रखें। सेंटीमीटर में करोगे तो पर सेंटीमीटर में 300 पिक्सल्स आएंगे अगर आपकी रेजोल्यूशन 300 है, और अगर इंच रख रखा है तो इंच में ही आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, मैं डिटेल में आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा किस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इंच कर देते हैं, 300 रेजोल्यूशन हो गया। मोड जो होता है हमारा, हमेशा RGB मोड होता है, कलर मोड, और 8-bit की हमें शीट बनानी है। यहाँ कलर आप कोई सा भी ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, कस्टम, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ कस्टम कलर भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ अभी वाइट ले रहा हूँ। कलर प्रोफाइल है जो, वो अपन ने मैनेज नहीं कर रखी है इसमें, और इसमें करना भी नहीं है। और पिक्सल जो रेशियो है वो हमेशा स्क्वायर में ही चाहिए हमें, ताकि हमारी फोटोज़ की रेशियो है वो ख़राब नहीं हो। तो चलो दोस्तों, मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी 12x36 इंच की जो है वो फाइल बन गई है। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है कि इसमें गाइडलाइंस कैसे डालें, हमारा जो लेआउट है गाइडलाइंस का किस तरीके से डालें। तो गाइडलाइंस का लेआउट डालने में दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों को, तो उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको आज। व्यू में जाएंगे हम, व्यू में जाके न्यू गाइड लेआउट है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर का कॉलम्स जो दिया हुआ है वो बता रहा है 8 नंबर का कॉलम्स, और गटर साइज जो दिया हुआ है वो 20 पिक्सल है। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। अब मुझे सबसे पहले तो मार्जिन देना है,
टॉप से कितना मार्जिन देना है मुझे? टॉप से मुझे मार्जिन देना है 0.25 इंच। आई एन कर देंगे दोस्तों यहाँ, फिर लेफ्ट से भी वही 0.25 IN। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ चेंजेस भी हो रहा है हमारा। अभी यहाँ देखिएगा आप, राइट साइड में चेंजेस हो जाएगा, बॉटम में चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देना है 0.25 IN। IN का मतलब है दोस्तों इंच, या भी इंच में कन्वर्ट हो गया 0.25 IN। तो देखो दोस्तों, ये जो है हमारी जो साइड की जो गाइडलाइन थी वो आ गई है। अब हमें चाहिए सेंटर की एक गाइडलाइन। तो कॉलम कितने बनाने हैं हमारे को? हमारे को कॉलम बनाने हैं दो। तो ये देखिए दोस्तों, जो बीच की हमारी जो लाइन है वो भी आ गई है। अब गटर साइज कितना रखना है हमारे को? 0.25 इंच। आई एन लगाना ना भूलें दोस्तों, आई एन लगाएंगे तभी इंचेज आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो गटर साइज था हमारा बीच का, ये भी सेट हो चुका है। अब अगर आपको रो भी चाहिए दो, तो आप रो भी बना सकते हैं, और कॉलम अगर आपको चार चाहिए तो आप चार भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों लगभग दो ही कॉलम बनाते हैं हम, और रो बनाते हैं दोस्तों हम, रो भी बनाते हैं दो, इसमें गटर साइज नहीं रखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारी जो गाइडलाइंस थी वो बन गई है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, आप इसको कस्टम को सेव भी कर सकते हैं यहाँ से आप अपनी गाइडलाइंस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार जब भी खोलोगे इसको तो अपने आप नई गाइडलाइंस जो बनेंगी वो इसी तरीके से ही बनेंगी। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, गाइडलाइंस बनाना भी कितना आसान हो गया है नए डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड इसमें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोटोज़ कौन सी है अपनी वो देख लेते हैं अपनी। तो दोस्तों ये वाली जो फ़ोटोज़ हैं, ये मेरी फ़ोटोज़ हैं, 7 फोटोज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये दोस्तों मैं ऑप्शनली लगाऊंगा बीच में, बाकी मेरी 6 फोटोज़ हैं। तो 6 फोटो से डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हमें ग्रेडियंट्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट्स को यूज़ में लूँगा, मुझे ग्रेडियंट्स अच्छे लगते हैं। तो मैं आज ब्लैक एंड वाइट थीम पे ही वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ग्रे वाला जो ऑप्शन है वो अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ड्रॉप कर दिया है मेरा। अपन दूसरे भी ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। तो आज मैं आपको ब्लैक एंड वाइट थीम पर ही, ग्रे थीम पर ही आज आपको मैं बना के दिखाऊंगा एल्बम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं फोटोज के हिसाब से डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ, ये मिक्स में है, इसमें फ़ोटोज़ फेदर में भी आएंगी और बॉक्स में भी आएंगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बॉक्स जो क्रिएट करते हैं वो शेप्स से क्रिएट करते हैं। टूल्स में देखिए दोस्तों, ये शेप्स है, इसके अंदर जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है इसको आप ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। बॉक्स हमेशा ऐसा क्रिएट करो दोस्तों जो आपकी फोटोज की रेशो के हिसाब से रहे। तो ये देखो दोस्तों, जैसे ही हमने शेप क्रिएट की तो यहाँ प्रॉपर्टी प्लेट खुल गई है। इसमें आप कॉर्नर जो है वो राउंड कर सकते हैं, स्ट्रोक आपको कितना लगाना है वो लगा सकते हैं आप इस शेप में। तो जैसे मेरे को स्ट्रोक जो लगाना है वो लाइनर स्ट्रोक लगाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये नई चीज है, जिन भाइयों को पता है वो बहुत बढ़िया बात है, जिन भाइयों को नहीं पता था उनके लिए नया है ये। तो जैसे मैंने कॉर्नर रखने हैं, मैंने सिर्फ दो ही कॉर्नर को, तो मैंने यहाँ 100 लिखा और यहाँ भी मैंने 100 लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, जो दो कॉर्नर थे हमारे वो हमारे राउंड हो चुके हैं दोनों साइड से। अभी कम दिख रहा है तो मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये राउंड कैसे बन गया है। तो राउंड इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप दो को राउंड भी कर सकते हैं, चारों कॉर्नर को भी राउंड कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे मैं
ये राउंड मैंने बना लिए। तो ये थी जो मेरी एक शेप क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पिक्सल्स का जो साइज है वो भी मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ उसको, ताकि वो अच्छे से हमारे को समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक शेप क्रिएट हो गई है मेरी, ठीक है। अब मैं अल्ट दबा करके इसी की ही एक कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ नहीं रखना है वो, इस कॉर्नर पे नहीं रखना है, इस कॉर्नर पे रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शेप है ये अलग तरीके की शेप बन गई है। तो इस तरीके से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप्स क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों आपको। जैसे मुझे किस तरीके की शेप चाहिए थी, मैंने जस्ट उसी की अपोजिट एक शेप और बना दी है। तो दोस्तों अब ये होता है कि अब आपके इसके पीछे क्या इफेक्ट डालना है, इसके पीछे कैसे इफेक्ट डालेंगे, उसके बारे में अब आपको बता देता हूँ। इसके पीछे इफेक्ट डालने के लिए आपको इस तरीके से जो है मर्क्यूरी टूल हमारा है, ये वाला टूल, इससे सिलेक्शन बना लेना है। इस तरीके से सिलेक्शन बनाने के बाद में दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एडिट कर लेनी है आपको। उसमें कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे स्ट्रिप मैंने नाम दे दिया। देखो दोस्तों, यहाँ स्ट्रिप नाम आ गया इसका लेयर का। अब इसके अंदर आपको कलर फिल करना है, तो आप एडिट के अंदर जा करके, फिल के अंदर जा करके कलर फिल कर सकते हैं कोई सा भी। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं कोई सा भी। कलर मैंने चूज किया, जैसे मुझे चाहिए बिल्कुल लाइट कलर, वाइट कलर। ओके किया, ओके किया। ये देखिए दोस्तों, ये कलर फिल हो गया। अब हम वापस डी सिलेक्शन कर देंगे। इस स्ट्रिप को दोस्तों आप इसके बैकग्राउंड में ले आएंगे। तो बैकग्राउंड में लाने के लिए आपको पता है किस तरीके से लाना है। आप यहाँ से, मैं एक बार इनका साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ये बहुत छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लेयर का जो ये बाउंडिंग बॉक्स का साइज है, ये भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप इसको नीचे भी ला सकते हैं पकड़ के, यूँ पकड़ के आप खिसका लीजिए, इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे। तो ये लेयर देखो दोस्तों, दोनों के नीचे चली गई। तो ये भी एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया हमारे लिए। अब दोस्तों, कई दोस्तों को समस्या आती है कि फेदर वाला डिज़ाइन कैसे बनाएं। तो फेदर वाला डिज़ाइन भी आप शेप्स से ही बना सकते हो। जैसे मैंने ये शेप्स का रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ मुझे एक फाइल लगानी है वर्टिकल। तो इसको मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फेदर है उसमें रहे। तो फेदर में देने के लिए दोस्तों आप प्रॉपर्टी प्लेट में जाएंगे, और यहाँ मास्क का ऑप्शन होता है। ये तो शेप का ऑप्शन है, यहाँ मास्क का ऑप्शन है। मास्क के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको फेदर बढ़ा दें। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी शेप थी ये फेदर में कन्वर्ट हो गई है। देखिए आप कितना भी फेदर कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने इतना फेदर इसको कर दिया। देखा दोस्तों, अब ये फेदर में भी कन्वर्ट हो गई है हमारी जो लेयर थी। अब दोस्तों आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं इसको, इस लेयर को जो अपन ने पीछे स्ट्रिप वाली लेयर लगाई है, इसको आप फेड भी कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी कम करके। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन। अब एक 12-18 का एक पार्ट था जो हमारा, वो हमारा डिजाइन हो चुका है। अब हमें एक पार्ट और डिजाइन करना है 12-18 का, और जो हमारी फोटोज हैं वो किस प्रकार की हैं। देखिए 1, 2, 3 इन फोटोज के हिसाब से हमारा एक पार्ट था जो 12-18 का, वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इन फोटोज के हिसाब से हमारा एक पार्ट क्रिएट करना है जिसमें 4 फोटोज लगेंगी। ये तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इन 3 फोटोज को मेरे टेम्पलेट में फिल कर देता हूँ, ताकि आगे की जो हम डिजाइन बनाएंगे उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले मैं ये वाली फोटो लूंगा, इसको मैं फोटोशॉप में ड्रैग करके ओपन कर लूंगा यहाँ। अब दोस्तों, मैं इस फोटो को पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से, कॉपी करके कंट्रोल सी से, और क्लोज करके कंट्रोल डब्ल्यू से लेयर को सिलेक्ट करूंगा दूसरी शीट में जा करके। फिर मैं यहाँ इसको पेस्ट करूंगा और अल्ट कंट्रोल जी कर दूंगा, जिससे क्लैपिंग मास्क बन जाएगा। क्लैपिंग मास्क बनने से ये फोटो जो है वो हमारी शेप के अंदर चली जाएगी इस तरीके से दोस्तों। तो ये फोटोज मैंने लगा दिए हैं इसमें। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सारी फोटोज लगा लेंगे।
तो चलिए दोस्तों, हमारा एक जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो आज की थीम थी वो ग्रे, ब्लैक एंड वाइट थी। तो जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं क्रिएट करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से डिजाइन क्रिएट करना है। स्ट्रोक का कलर आप कैसा भी रख सकते हो, स्ट्रोक का जो मोड है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो दोस्तों। आउटसाइड भी कर सकते हो, इनसाइड भी कर सकते हो, वैसे इनसाइड ही रखना चाहिए। ये कर दिया। अब दोस्तों मैं राउंड वाली जो शेप है वो ले लूंगा। शिफ्ट का यूज करते हुए दोस्तों मैं ड्रैग करूंगा, इसको खींचूंगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, राउंड वाली जो मेरी शेप थी वो क्रिएट हो गई है। इसमें भी मैं उसी तरीके से ही दोस्तों 15 पिक्सल, और जो कलर है वो रेड भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी जो थीम है वो आज की है ब्लैक एंड वाइट दोस्तों, तो मैं ब्लैक एंड वाइट ही रखूँगा। तो दोस्तों मैं अब इस लेयर को सबसे टॉप में ले आऊँगा कंट्रोल शिफ्ट, और हमारा जो ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन होता है कीबोर्ड में उससे। तो देखो दोस्तों, ये एक डिज़ाइन बन गया है। अब इसके भी बैकग्राउंड में दोस्तों हम सिलेक्शन करके इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये मैंने लिया है। फिर वही न्यू लेयर क्रिएट करूँगा, फिर वही कलर फिल करूँगा मैं इसमें। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम जो हमारे माइंड में जो डिज़ाइन चल रहा होता है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है दोस्तों यहाँ। अब मैं यहाँ नई लेयर्स बनाने के लिए एक ऑप्शन और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, फेड में जो फोटो आप लगाते हो उसे एक तरीका और है बनाने का। जैसे मैंने यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया इसको, फिर मैंने इसको फेदर दे दिया 125 का। और फिर वही न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, फिर उसमें कलर फिल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक लेयर बन गई है। ये भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो लेयर जो आप कोई भी क्रिएट कर रहे हो उसका जो रेशियो है वो हमेशा फोटो के जैसा ही रखें, ताकि आपको कभी भी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो डिज़ाइन बनाने में, ताकि आप उस टेम्पलेट को वापस यूज़ लें तो कोई फ़ोटो चौड़ी या लंबी या छोटी या बॉक्स ऐसा नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें। इसमें दोस्तों देखो, जो मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है उसमें चारों कोनों को मैंने राउंड कर दिया है, और इसमें स्ट्रोक में डॉट वाला लगा रहा हूँ। कलर अभी तो हम वाइट और ब्लैक की थीम पे चल रहे हैं, तो हम वही रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी क्रिएशन था ये हो गया है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इन पे और बताने जा रहा हूँ कि आप इन पे शेडो कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस राउंड जो हमारी शेप है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये दोस्तों अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से यूं खींच के भी लगा सकते हैं या चारों तरफ लगाना चाहते हैं, कैसे लगाना चाहते हैं वो अपने पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो जैसे मैं इसको चारों तरफ लगाना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने इस तरीके से लगा दिया।
ये प्रीव्यू में दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, पहले यहाँ शेडो नहीं है दोस्तों, अब देखिए अब शेडो आ गई है। तो इस तरीके से आप लेयर स्टाइल में जा करके शेडो भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी है तो। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप क्लिप पार्ट्स वगैरह लगाने के शौकीन हैं अपने डिज़ाइन में, तो आप क्लिप पार्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे ये खाली जगह यहाँ दिख रही है, तो यहाँ आप क्लिप पार्ट्स भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लिप पार्ट की फाइल ओपन कर लेता हूँ एक। जैसे ये मेरे क्लिप पार्ट्स हैं दोस्तों, जो मेरी थीम है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं आज उसी पे ही आधारित आपको सब कुछ बता रहा हूँ। जैसे ये मेरे क्लिप पार्ट्स की मेरी जो फाइल है मैंने ओपन कर ली है। अब इस लेयर को मैं ड्रैग कर लूँगा मेरे टेम्पलेट वाली शीट पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो लेयर है ये आ गई है यहाँ। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ड्रैग करके दूसरी तरफ भी मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा जैसे मेरे को चाहिए। तो इस तरीके से आप क्लिप पार्ट्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे अपनी थीम के अनुसार। क्लिप पार्ट्स और स्ट्रोक्स का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जो आपकी थीम चल रही है उसके हिसाब से ही आपको लगाना है। अगर आपकी थीम ब्लैक एंड वाइट ग्रे है तो उस हिसाब से, कलरफुल थीम है तो कलरफुल के हिसाब से, ताकि डिज़ाइनिंग अच्छी लगे दोस्तों। तो अब मैं इनमें फ़ोटोज़ फिल कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं नया शेप्स के साथ, क्योंकि अभी जो नए फोटोशॉप्स आ रहे हैं उनमें शेप्स भी अच्छे आ रहे हैं, ग्रेडियंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप उनका यूज़ लेकर के नए किसी दूसरे के टेम्पलेट्स को काम में लेकर के अपने खुद के टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप नया टेम्पलेट क्रिएट करें और उन्हें यूज़ लें। नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है मेरे फोटोग्राफर भाइयों का, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जो डिज़ाइनर्स मेरे भाई हैं वो नए एल्बम बनाएं, नए टेम्पलेट्स क्रिएट करें। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस अपने माइंड में एक डिज़ाइन को सेट करना पड़ता है। उस डिज़ाइन को आप अपने दिमाग में सेट करें और उसके आधार पर ही आप यहाँ डिज़ाइन क्रिएट करें फोटोशॉप के अंदर। कैसा लगा आपको ये टेम्पलेट क्रिएट करने का जो मेरा वीडियो है वो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो मेरे नए दोस्त पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। और एक चीज़ मैं और बता देता हूं दोस्तों आपको, मैंने अभी PSD टेम्पलेट्स क्रिएट करने का जो क्रिएट कैसे करते हैं वो सिखाने की जो सीरीज़ है मैंने स्टार्ट कर ली है दोस्तों। मैं आपको अब वही सिखाने जाऊँगा। हर 2 या 3 दिन में मेरा एक वीडियो टेम्पलेट क्रिएट करने, शीट का टेम्पलेट क्रिएट करने, 12:36 का टेम्पलेट, 12:18 का टेम्पलेट, 17:24 का टेम्पलेट, और दोस्तों कवर्स के डिज़ाइन क्रिएट करना और DM जो हमारी होती हैं उनके डिज़ाइन क्रिएट करना, इन चीज़ों को क्रिएट करने के दोस्तों मैं वीडियोज हर 1-2 दिन में या 2-3 दिन में डालता रहूँगा। तो मेरी वीडियोज़ आप देखते रहिए दोस्तों।